नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का चैनल रणभूमि में। दोस्तों, आज हम सर्कल यानी वृत्त के पार्ट टू में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे। तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, एक वृत्त दिया गया है, इसके अंदर ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। वृत्त के अंदर जब कोई चतुर्भुज होता है तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज भी कहते हैं। यहाँ दिया गया है ए बी भुजा डी सी के समानांतर है और एंगल बी ए डी आपको दिया गया है 110 डिग्री। तो एंगल ए बी सी यानी इस एंगल की वैल्यू पूछी गई है। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर ए बी जो भुजा है वो डी सी के बिल्कुल समानांतर है। तो आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि दो विपरीत कोण, जैसे ये ए और सी मिल करके हमेशा 180 डिग्री होते हैं। तो एंगल ए की वैल्यू आपको 110 डिग्री दी गई है, एंगल सी की वैल्यू अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 70 डिग्री, तो ये हो गए 70 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, एंगल सी और एंगल बी भी मिलकर 180 डिग्री होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। और आपको ए बी सी यानी एंगल बी का वैल्यू पूछा गया है, तो आप यहाँ एंगल बी बराबर लिख सकते हैं 180, एंगल सी की वैल्यू 70 आपने ज्ञात की है। अगर हम इधर ले जाते हैं, माइनस करते हैं, तो देखिए आ जाता है 110 डिग्री। तो आपका जवाब हो जाएगा, ये एंगल की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से काफ़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे अच्छे से समझें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक वृत्त है और ए बी सी ओ एक चतुर्भुज आपको दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है ए बी सी, एंगल ए बी सी का मान ज्ञात करें। तो इसे दोस्तों देखिए, आप कभी भी डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। और इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने एक और इसी टाइप के क्वेश्चन बताए थे दोस्तों, उसे ध्यान दीजिए, याद करें ज़रा। देखिए, अगर मैं ए से एक भुजा को खींचता हूँ और फिर सी से एक और भुजा को खींचता हूँ और इसे किसी बिंदु पी पर मैं मिला दिया, तो अब देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए भी थे। अब देखिए दोस्तों, ये केंद्र पर बना कोण है 130 डिग्री, तो परिधि पर बना हुआ कोण उसका आधा होता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए पी सी का मान हो जाएगा 130 का आधा, यानी कि 65 डिग्री। अब दोस्तों, ये जब 65 डिग्री हो गया, तो अब आपको पता है कि एंगल पी और एंगल बी मिलकर 180 डिग्री होते हैं, यानी एंगल पी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल पी की वैल्यू आपने ज्ञात कर ली है 65, और एंगल बी की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप सिंपल इसे इधर माइनस कर दें दोस्तों, तो एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 65, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 60, 70 और ये 115 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से हमने ये जवाब निकाल लिया। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये लाइन जो है आपको एग्ज़ाम में नहीं दी जाएगी, आपको सिर्फ एक केंद्र से नीचे एक चतुर्भुज आपको बना के दे दिया जाएगा और आपको केंद्र का एंगल दिया रहेगा और ठीक उसके नीचे वाला एंगल ज्ञात किया करने को कहा जाएगा। तो ऐसे गलती ना करें कि ये दोनों 180 होंगे, तो 180 में से 130 माइनस करके 50 डिग्री, ये भी ऑप्शन आंसर में रहेगा दोस्तों। तो इस चीज़ से बचें, हमेशा भुजा को आगे बढ़ा दें और एक के परिधि पर एक कोण बना दें। ये परिधि का कोण केंद्र के कोण से हमेशा हाफ होगा, आधा होगा, और फिर ये परिधि का कोण दोनों मिल करके आपस में 180 होंगे, और माइनस कर दें, यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि एक वृत्त है और इसके अंदर ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। यहाँ आपको दिया गया एंगल बी ए सी, यानी ये छोटी वाली एंगल दी गई है, ये है आपको 30 डिग्री। तो कहा गया है एंगल सी ए डी, यानी ये वाले कोण को आपको निकालना है, सिर्फ ये इस पोर्शन को, सी ए डी को। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, काफ़ी आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये ए सी भुजा जो है, देखिए सी डी पर लंब है,
यानी ये परिधि पर बन रही है जो कोण, ये क्या हो गई, लंब हो गई। तो जब ये 90 डिग्री हो गई दोस्तों और ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हमें आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए सी बी में एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी बराबर होंगे 180 डिग्री। तो अब आपको एंगल बी निकालना है, तो 180 माइनस, और ए 30 है और सी 90 है, यानी 120 हो गए दोनों। तो आपको आगे वैल्यू एंगल बी की 60 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री है दोस्तों, तो इसके ठीक अपोजिट वाला एंगल कितना होगा दोस्तों, तो ये भी दोस्तों आपका हो जाएगा, एंगल डी और एंगल बी मिलकर 180 होंगे। तो जब एंगल डी और एंगल बी मिलकर 180 होंगे, तो एंगल डी की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, बराबर 180 माइनस एंगल बी की वैल्यू आपने अभी ज्ञात की है 60 डिग्री, माइनस कर दे तो ये हो गया 120 डिग्री। अब चित्र में देखिए दोस्तों, ये 120 डिग्री हो गया, और ये देखिए दोस्तों, ये एकांतर कोण बन रहा है, ये 30 है, तो ये भी आपका 30 होगा। जब ये एकांतर कोण बन रहा है दोस्तों, ये देखिए जेड आकार का एक चित्र बन रहा है, तो यहाँ पर ये भी 30 हो जाएगा। तो ये 120 और ये 30, यानी हो गए 150। तो यानी ये वाला एंगल कितना होगा। तो अब देखिए दोस्तों, त्रिभुज ए डी सी में एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये तीनों मिलकर 180 डिग्री होंगे। तो एंगल ए आपको निकालना है, बराबर 180 माइनस सी की वैल्यू आपने निकाल लिया दोस्तों 30, और डी की वैल्यू आपने अभी निकाला 120, तो दोनों मिलके हो गए 150। तो अब अगर 180 से 150 हम माइनस करते हैं, तो ये आ जाता है 30 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से हमने इसे निकाल लिया, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। बस ये कंसेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ जाएं, तो काफ़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहिष्कोण की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, सी बी डी की। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, अभी अगर आप इसे ठीक इसके ऊपर दिए गए प्रश्न से मिलाएं, तो देखिए बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये ए बी भुजा को डी तक बढ़ा दिया गया है, और ये वाला लाइन देखिए मिस है, ये लाइन नहीं दिया गया। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना ये है कि एक परिधि पर एक कोण बना लें ए और सी से भुजा खींचकर। तो देखिए जब ये 110 डिग्री होगा, तो ये इसका आधा होगा, यानी ये हो जाएगा 55 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, जब ये 55 डिग्री होगा, तो ये वाला कितना होगा, तो ये दोनों मिलकर 180 होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल, इसे अगर मैं पी कर दूँ, तो एंगल पी बराबर हो जाएगा 110 का आधा, यानी 55 डिग्री। अब देखिए एंगल पी और एंगल बी मिल करके होंगे 180 डिग्री, तो एंगल बी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 180 माइनस पी की वैल्यू हुई थी 55। तो अब अगर आप इसे घटा देते हैं दोस्तों, तो हो जाती है 125 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू देखिए दोस्तों, आपने निकाल लिया 125 डिग्री। अब देखिए ये जब मेरी 125 डिग्री आ गई है दोस्तों, तो अब देखिए ये ए डी तो एक सीधी रेखा है, और एक सीधी रेखा में कोण हमेशा 180 डिग्री बनता है। तो जब ये इतनी दूर 125 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा दोस्तों, तो 180 से फिर आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं दोस्तों, देखिए एंगल सी बी डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और माइनस ये एंगल बी यानी 125 डिग्री। अगर हम इसे माइनस कर देते हैं दोस्तों, तो फिर से देखिए इसकी वैल्यू आ गई 55 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से हमने बिल्कुल थॉरली बिल्कुल प्रोसेस के साथ हमने इसे आसानी से सॉल्व कर लिया, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इतना चीज़ दोस्तों आप एग्ज़ाम में भरवली भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आइए दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, दिया गया ये एक वृत्त है, इसमें ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया गया है। देखिए कहा गया बी सी और सी डी भुजाएँ बराबर है, यानी ये बी सी भुजा इस सी डी भुजा के बराबर है। तो जब भी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो वो तीसरे किसी भुजा पर अगर पड़ती हैं, तो वो दोनों समान कोण बनाती हैं। तो जब ये 25 डिग्री है दोस्तों, तो ये वाला भी आपका 25 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इस त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी तीनों मिलकर 180 होंगे।
तो एंगल बी भी 25 है और एंगल डी भी 25 है, तो एंगल सी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 180 माइनस ये 25 और 25 50, 50 डिग्री माइनस कर दें तो सी की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। तो ये कोण देखिए दोस्तों आ गया 130 डिग्री। अब आपसे पूछा गया एंगल बी ए डी इसका कोण आपको बताना है। तो आपको पता है दोस्तों कि परिधि पर के कोण आपस में मिलकर 180 डिग्री होते हैं। तो देखिए जब ये 130 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 50 डिग्री। एंगल बीएडी की वैल्यू आ गई दोस्तों, एंगल बीएडी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से हमने इसे हल कर लिया। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 6 जो है ये मैं आप सभी को होमवर्क देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इसे देख रहे हैं इसके आंसर को ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पार्ट वन में आपको कराए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप कितना सीखे हैं या कितना आप जानते हैं दोस्तों, तो वो मुझे दर्शाएं कमेंट बॉक्स में आंसर करके। तो चलिए दोस्तों चलते, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आता है दोस्तों एग्ज़ाम में, इसलिए इसे अच्छे से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। आइए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे दोस्तों एक सर्कल है, वृत्त है, जिसमें फिर से कहा गया ए बी समानांतर डी सी, ये ए बी भुजा जो है डी सी के बिल्कुल समानांतर है। एंगल बी ए सी की वैल्यू दी गई है 25 डिग्री, एंगल सी ए डी की आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल एग्ज़ाम में, तो इसे चलिए मैं थोड़ी जल्दी सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 90 डिग्री, परिधि पर का कोण ये 90 है। अब देखिए ये 90 है और ये 25 है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी तीनों मिलकर 180 होंगे। तो एंगल ए आपको दिया गया है 25 डिग्री और एंगल सी आपको पता है 90 डिग्री, तो एंगल बी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये एंगल बी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 115 डिग्री, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री, यानी एंगल बी की वैल्यू आ गई दोस्तों 65। अब आप जानते हैं दोस्तों कि एंगल बी और एंगल डी दोनों मिल करके 180 डिग्री होंगे, तो एंगल बी प्लस एंगल डी मिल करके 180 डिग्री होंगे। तो यहाँ से एंगल डी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस बी इधर लाएंगे दोस्तों 65 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी फिर से एक बार 115 डिग्री। अब देखिए ये आपको मिल गया है, ये भी आ गया 115 डिग्री, और देखिए यहाँ जेड आकार बन रहा है यानी एकांतर कोण बनेंगे एंगल सी और ये एंगल ए, तो ये दोनों समान होंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 25 डिग्री, ये एकांतर कोण ये और ये। तो अब देखिए दोस्तों दो एंगल हमें मिल गए 115 और 25, तो आपको पूछा गया है एंगल त्रिभुज ए सी डी में वाले एंगल ए की वैल्यू, तो हम इसे आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एंगल ए हो गए आपको निकालने हैं, एंगल सी की वैल्यू हो गई 25 डिग्री और एंगल डी आपको ज्ञात कर लिया है 115, तीनों मिलकर 180 डिग्री होंगे। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, एंगल ए के लिए 180 माइनस इन दोनों को ऐड कर दें 20 30 40 यानी 140, दोनों माइनस हो जाएंगे दोस्तों तो ये आ जाएगी 40 डिग्री। तो देखिए दोस्तों ये आपका हो गया जवाब 40 डिग्री। आइए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से समझें दोस्तों। देखिए यहाँ आपको एंगल सी की वैल्यू 120 डिग्री दे दी गई है, आपसे पूछा गया है एंगल ए बी डी की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए बहुत ही आसान है, एंगल ए बी डी की वैल्यू यानी इस एंगल को आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों जब भी एक वृत्त है और उसमें कोई भी एक चतुर्भुज बन रहा है, तो आप जानते हैं दोस्तों देखिए ये जो परिधि पर ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ये हमेशा कितना होता है 90 डिग्री लंबवत होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से तो हमने ज्ञात कर लिया ये 90 डिग्री है। अब देखिए एंगल ए और एंगल सी मिलकर 180 डिग्री होंगे, तो एंगल ए निकालना है दोस्तों, तो एंगल सी की वैल्यू 120 है, अगर आप इसे डायरेक्ट निकालें तो यहाँ माइनस हो जाएगा यानी ये हो गए 60 डिग्री। अब देखिए दोस्तों ये वाला एंगल आपका आ गया है 60 डिग्री और ये परिधि पर का कोण 90 डिग्री आपको पता है, तो ये एंगल ए बी डी आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो एंगल ए बी डी बराबर हो जाएगा
180 माइनस, अब यहाँ देखिए दोस्तों ये 90 और 60 150 डिग्री, तो देखिए अगर हम इसे माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 30 डिग्री। तो देखिए दोस्तों दो तीन बार अगर आप इसे अभ्यास कर ले तो फिर आप इसे वर्बली भी बनाने का अभ्यास ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि एग्ज़ाम में आपका समय बचे। अब देखिए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे दोस्तों एक वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है और आपसे पूछा गया एंगल पी क्यू आर, यानी ये वाली एंगल पी क्यू आर, और एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू यानी ये वाली एंगल का योग कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए ये दोनों एंगल हमें निकालना है, इन्हें ऐड कर देने से हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, आप सबसे पहले ट्रायंगल पी ओ आर में देखें, पी ओ आर में देखिए ओ आर और ओ पी दोनों वृत्त के अर्धव्यास हैं, ओ आर और ओ पी दोनों क्या हैं दोस्तों, वृत्त के अर्धव्यास हैं, अर्धव्यास यानी रेडियस है, यानी दोनों समान हैं। तो हमें पता है दोस्तों किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजाएं समान होती हैं तो वे तीसरे भुजा पर जब पड़ती हैं तो समान एंगल बनाती हैं। तो जब ये एंगल पी और एंगल आर दोनों बराबर होंगे दोस्तों, जिसकी वैल्यू पी 50 है तो आर भी हो गई 50। अब देखिए दोस्तों ये भी 50 डिग्री आ गया, तो अब ये पी आर और ये एंगल ओ तीनों मिलकर के 180 होंगे, तो एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल ओ तीनों मिलकर के 180 होने चाहिए। तो ये पी और आर तो समान है दोस्तों, यानी 50 50 100 हो गए, तो एंगल ओ कितना आ जाएगा दोस्तों, 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। अब देखिए दोस्तों ये तो 80 डिग्री हमें पता चल गया, ये 80 डिग्री है। तो जब दोस्तों ये 80 डिग्री है और एक सीधी रेखा में टोटल 180 डिग्री बनता है, तो यानी एंगल पी ओ क्यू आपका 100 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल पी ओ क्यू आपका आ जाएगा 180 माइनस ये 80 डिग्री, तो देखिए ये हो गए 100 डिग्री। अब देखिए दोस्तों यहाँ भी अब आप त्रिभुज, अगर त्रिभुज पी ओ क्यू में जाएं तो देखिए पी ओ तथा ओ क्यू दोनों भुजाएं अर्धव्यास है यानी बराबर हैं। तो जब बराबर हैं दोस्तों तो यानी एंगल पी प्लस एंगल क्यू, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ तीनों मिलकर के 180 डिग्री होंगे। ये दोनों देखिए दोस्तों एक्स दिया गया है, तो ये पी और एंगल क्यू दोनों एक्स हैं, तो एक्स और एक्स हो गए 2x डिग्री, और एंगल ओ अभी आपने ज्ञात किया यहाँ पर दोस्तों देखिए 100 डिग्री है। तो अगर हम इसे इधर ले जा करके माइनस करते तो 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री हो जाता है दोस्तों। तो x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 80/2 यानी कि 40 डिग्री। तो देखिए दोस्तों x की वैल्यू आपको आ गई 40 डिग्री और इसकी वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो अगर आप इन दोनों को निकालें तो ये हो गए 40 डिग्री और ये हो गए 50 डिग्री, यानी दोनों को ऐड अगर हम करते हैं तो हो जाएंगे 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। बिल्कुल मैं जानबूझकर दोस्तों ये आपको बिल्कुल लिख करके प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि आप वीडियो को देखकर अच्छे से इसे थॉरली समझ सकें, ताकि जब आप एग्ज़ाम में इसे भरवली बनाने में आपको सुविधा हो। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अभी इस टाइप का मैंने एक आपको प्रीवियस कुछ क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन भी कराया। देखिए दोस्तों QRS का मान आपको दिया गया है 150 डिग्री, तो आपसे SQP इस एंगल का मान पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ये 120 डिग्री था, अब यहाँ 150 दिया है। तो अब मैं इसे बनाऊंगा नहीं दोस्तों, आपको इजीली सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए ये 150 है तो परिधि पर के विपरीत कोण 180 होते हैं, तो ये आपको 30 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों ये जो SQ और PS भुजा मिली है आपस में, देखिए ये परिधि पर का कोण ये 90 डिग्री होता है दोस्तों, तो ये 90 डिग्री हम ले लिए। तो देखिए 90 और 30 120 हो गए, तो इस त्रिभुज में इस एंगल का मान कितना होगा दोस्तों, 90 और 30 120, तो 80 से घट गए तो ये हो गया 60 डिग्री, यानी एंगल SQP की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो देखिए दोस्तों मैंने काफ़ी आसानी से आपको इसे सॉल्व करके दिखा दिया दोस्तों। तो अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लाइक ज़रूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब जब आप करते हैं दोस्तों तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दें,
क्योंकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।